अगर आपकी यात्रा पक्की है तो पानी साथ लेकर चलें, क्योंकि भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में पानी की व्यवस्था नहीं रहने से यात्रियों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। देखिए साप्ताहिक एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बे का हाल। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे ट्रेन की। अभी आप जो देखे, अभी जो भी नल आप चलाया है उसमें पानी अभी नहीं था। इसका मतलब ये लंबी दूरी की ट्रेन है और यहाँ पर जो इतनी घटिया समस्या जो अभी आपने देखा है, इसे सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब दिक्कत, आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत गर्मी है, इस गर्मी के कारण बहुत आदमी का वो ठीक से काम नहीं हो पाता है, ज़्यादा मतलब बीमार हो रहा है। इस गर्मी के सफ़र करिएगा कभी तो देखिए, खाना की क्वालिटी बहुत ही घटिया रहता है जब आप, और ये उसके बाद जो पानी की व्यवस्था जो है वो भी तो बहुत क्वालिटी वाला नहीं दे पा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था भी समुचित नहीं है, उतना ही अच्छा नहीं है। साफ सफाई के बारे में तो कहिए ही मत, बहुत गंदगी आती है, बदबू आती है बाथरूम से भी, और वहाँ जो हम लोग जो भी हमारे मतलब डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो इस बात पे गौर करें, हमारे इस हमारे जो लंबी दूरी वाले साप्ताहिक ट्रेन है इस पर विचार करें और इस पर जो मतलब समस्याएं हैं उस पर गौर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब समस्या है, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करती है। इसमें तो अच्छा हम देख रहे हैं कि लंबी दूरी का तो है, लेकिन इसमें पानी नहीं है सर, तो इतना गर्मी है, उसके बाद इसमें पानी रहना चाहिए ना। अगर किसी यात्री को शौच जाने की नौबत आ जाए तो फिर करेगा क्या? पानी है ही नहीं सर, उसको प्रॉब्लम आएगा। सरकार को आप लोग भी वैल्यू देते हैं, कभी आवाज़ खड़ा नहीं करते हैं। वही तो सर, इसमें टिकट तो ये फुल ले लेते हैं, लेकिन इसमें सुविधा तो देखते हैं अभी भी तो पानी नहीं आया हुआ है। मतलब टिकट लेते हैं, सुविधा नदारद नहीं देता, कुछ भी सुविधा नहीं है।